हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज आपको ज्योति जैन का जज ने चलिए फ्रेंड्स, 2 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जुकाम इतनी ज़्यादा हो गया मेरे को, मतलब सारे मुंह पे आँख पे ऐसी बुरी तरह खुजली चल रही है। तो बस वीडियो नहीं बनाई मैंने कल भी, अब भी ऐसी खुजली से चलिए खुजा खुजा के बुरा हाल हो रहा है मेरा। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मी हो गई है, ज़्यादा हो गई है गर्मी। और कल मेरी बिल्कुल तबीयत ऐसी हो रही थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, जुकाम ज़्यादा था। आज थोड़ा सा कल से आराम है, और ऐसा नहीं है कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कुछ काम नहीं किया, काम भी पूरा ही था। आपको पता है जब रेस्ट मिलता है जब ही तबीयत ठीक होती है, और अभी जैसे होनी है तो वैसी होगी धीरे धीरे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, टाइम हो रहा है, सब बज रहा है, 1:20 हो रहा है। और आज मैंने बनाया बच्चों के लिए लंच और नाश्ते में, मतलब दोनों को मिला के मैंने आज ग्वार की फली बनाई, करेले बनाए, अमिया की लौंजी बनाई। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग के संग शेयर इसलिए नहीं करी कि तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं बनाने की हिम्मत नहीं थी दोनों चीज़ें। मैंने सोचा पहले एक तरफ का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे आराम से बैठ के बातें करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा भी लगता है नहीं लगता, कभी कभी कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए फिलहाल मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद, आप मेरे चेहरे से देख के बता सकते हैं मेरी तबीयत कैसी है, तब तो मैं आपसे बात करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद आपसे। शाम के 5 बजे हैं फ्रेंड्स, फिलहाल आई हूँ अर्पित के ऑफिस, क्योंकि घर में नहीं लग रहा था मेरा मन, तो मैंने सोचा बाहर जाके लोगों से बात करूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे सा दिखाऊँ। अरे उसको लइयो, अर्पित उसको लइयो, उसको छुटकू को लइयो, अरे छुटकू को, कम ऑन कम ऑन, बुंडू अपने बच्चों को प्यार करो, जाओ तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें बाप का फर्ज अदा करना चाहिए, जाओ कभी तुम्हारी माँ नहीं करते ये गंध, ये बहुत चलिए फिलहाल इनके साथ बस ऐसी ही एक राउंड पे जा रही हूँ, सोचा थोड़ा सा मार्केट का चक्कर लगाया हूँ, तो ये फिलहाल आगे आगे निकल रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। अरे फ्रेंड्स, ऑफिस गई थी अर्पित के, थोड़ी देर ऑफिस रही, थोड़ा मार्केट तक घूम के आई इनके साथ, इन्हें कहीं जाना था आगे, किसी से काम था, मैंने कहती मैं भी चल पड़ती हूँ। फिलहाल मैं घर आ गई हूँ, और घर पे मैंने शाम को अपने लिए 2 आलू छिलके सहित ही छौंक लिए थे रेशे की वजह से, क्योंकि मुँह ऐसे हो रहा था। अभी भी मेरी नाक में बहुत खुजली हो रही है, मतलब मेरे ना यहाँ ये सब ये हिस्सा ये बहुत ज़्यादा खुजली होती है। फिलहाल सिंपल चावल रखे, उनको नमकीन कर रही हूँ कनक के लिए। तो अभी आ जाइए हमारी किचन में, तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम कर लेते हैं, और कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें डाल देते हैं देसी घी। देसी घी में बहुत अच्छे लगते हैं ये जैसे उबले हुए चावल है, इनको सिंपली अगर आप ऐसे ही फ्राई करोगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देसी घी को अच्छी तरीके से गरम कर लेते हैं। अच्छा, मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बिल्कुल हींग जीरे में, ना ज़्यादा इसमें कोई सब्जी ऐड करूँगी और ना ही प्याज टमाटर, सिर्फ सिंपल हींग जीरे में। वो कैसे है तो मैं दिखाती जाती हूँ कि मैं इसमें और क्या क्या ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी, ये 1 लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च ऐड करिए मैंने, अच्छा लगता है इसका टेस्ट, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। थोड़ी सी हींग ऐड करिए मैंने, उसके बाद इसमें फ्रेंड थोड़ा सा जीरा जाएगा, जीरे के बाद मसाले भी ऐड होने लगेंगे, तो जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, देख के, क्योंकि अगर आप तेज नहीं खाते हो तो हमने साबुत लाल मिर्ची पहले ही गेरी है जो तीखी है, तो उसी हिसाब से आप लोग गेरना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो चावल है वो इसमें ऐड कर देते हैं, और बस अब क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, लेकिन मिलाने से पहले इसमें स्वाद के हिसाब से नमक भी हमें ऐड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मसाला मैं अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ, और उसके बाद ये चावल ऐड कर दिए मैंने इसमें, और उसके बाद मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो आपने देखा मैंने इसमें क्या क्या मसाले लगाए, बिल्कुल सिंपल मैंने चावलों को छौंका है, जैसे कई बार होते हैं बच जाते चावल, इस तरीके से छौंक लीजिए। आप चाहते हो तो राई में भी कर सकते हैं इसे, थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें भून के गेर सकते हो, अच्छी लगती है इसके अंदर,
लेकिन फिलहाल बस तबीयत ऐसी थी तो मैंने ऐसी बनाए हैं। आप लोग भी जरूर बना के देखना, अच्छे लगते हैं, बच्चे खा लेते हैं दही से, इसको चटनी से, दही से जैसे उनको पसंद होता है। तो चलिए बस फ्रेंड्स इन्हें अच्छी तरीके से मिला लीजिए, हो गए आपके ये फ्राई चावल तैयार हैं बन के। तो कितना मतलब जल्दी जल्दी बन गया ना, कितने जिस तरीके से। तो इसी तरीके से जो भी आपके घर में अगर चावल बचते हैं तो आप इस तरीके से बना लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं इसमें और भी बारीक बारीक सब्जियां ऐड करके डाल देती हूँ तो वो भी अच्छी लगती है। ये मार्केट से आज ठंडाई लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो वो थोड़ी जमी जमी सी हो रही थी और कांच की भी थी, तो इसलिए प्लास्टिक की बोतल में उसे सिप कर रहे हैं जिससे आसानी रहे इसे निकालने में। ये ऐसे जम जाता है बेटा, कटोरा लिया नीचे गिर रहा है, बल्कि मेज गिर रहा है। हाँ गिर रहा है ना मेज पे, देखो लाओ लाओ। चलिए फ्रेंड्स फिलहाल टाइम हो रहा है 9:15 बजने को आ रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग को एंड करने के लिए आपके सामने आ चुकी हूँ। लेकिन जाने से पहले आपको बहुत ही अच्छा एक टिप्स बताऊँगी, आजकल के मौसम में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, वो भी इस तरीके से हो रहा है ज़बरदस्त, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे खांसी होती है, खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो आप मेरे कहने से ये टिप्स ज़रूर अपना लेना फ्रेंड्स। मैं खुद अपने घर में बच्चों के लिए करती हूँ ये, घर में मतलब क्या, मैं अगर किसी को ऐसी खांसी की परेशानी में देखती तो उन लोगों को ज़रूर बताती, तो आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि सोने से पहले एक चम्मच बेसन को आप थोड़े से घी में, एक चम्मच बेसन एक चम्मच ही घी में भून लीजिए उस अच्छी तरीके से। अगर लोग बाग ज़्यादा लोग, ये बता रही हूँ मैं आपको एक जने के हिसाब से, जितने लोग हैं उस हिसाब से इसकी दुगनी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो फिलहाल मैं एक जने के हिसाब से बताती हूँ, एक चम्मच घी में, जो खाने वाली चम्मच होती है उसमें एक चम्मच बेसन, कढ़ाई में पहले घी गर्म कीजिए, फिर वो बेसन ऐड करके उसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। जब आपको लगे बेसन आपका भून चुका है तो उसमें एक गिलास दूध गेर दीजिए और उसका आधा होने तक उसको खदकाइए। उसमें एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी गेर दीजिए। अगर मेरी कोई फ्रेंड्स रात को अन वगैरह चीज़ नहीं लेती, जैसे मैं नहीं लेती, मैं कहती हूँ हल्दी मुझे रात को नहीं लेनी, अगर आप में से कोई नहीं लेती तो मत गेरिए, ज़रूरी नहीं कि आप हल्दी उसमें गेरें, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग ले सकते हैं हल्दी तो जरूर गेरिए उसमें एक चुटकी हल्दी और इसको खदका लीजिए। यकीन मानिए दूध तो टेस्टी लगेगा लेकिन आपके खांसी में भी बहुत आराम होगा। आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आराम मिलेगा। जिसको खांसी ज़्यादा खुश्क हो रही होगी बुरी तरीके से, जैसे कई बार खुश्की खुश्की सी हो जाती है खांसी में एकदम से, तो उस तरीके से आप ये ट्राई कीजिए। खांसी कैसी हो लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत असरदार है। खांसी में आपको आराम मिलेगा, गले के दर्द में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि बेसन गर्म होता है तो पूरा सेक लगता है और खांसी करने से कई बार हमारी पसलियां भी बहुत दुखने लगती हैं, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार ज़रूर, अगर आपको ये प्रॉब्लम है खांसी की तो आप ज़रूर अपनाना, वैसे भी अदरवाइज कभी पी के देखना, बहुत टेस्टी लगता है ये दूध। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी, प्लीज़ फ्रेंड मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड उसको ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से आगे 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 बढ़ती चली जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स कल फिर मिलती हूँ आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक आप सबको मेरी बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।